नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मोटरसाइकिल चोरी कांड में एक गोटे डॉक्टर चोरी भेल मोटरसाइकिल सहित पकड़ायल संबंधी समाचार से। जनकपुर में मोटरसाइकिल चोरी कांड में एक गोटे डॉक्टर चोरी भेल मोटरसाइकिल सहित पकड़ायल छथि। जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 विद्यापति चौक से ब्रिंजी सिंहक मोटरसाइकिल चोरी कांड में डॉक्टर शैलेन्द्र मिश्र पकड़ायल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक। डॉक्टर मिश्र के मंगल के रात घर में मोटरसाइकिल नुका कर रखने अवस्था में स्थानीय के सहयोग में पुलिस पकड़ने आई। जनकपुर के भैरव चौक से सिंह के J2P6305 नंबर के पल्सर मोटरसाइकिल मंगल दिन साँझ में चोरी भेल छल। मोटरसाइकिल चोरी भेल स्थान जिला प्रहरी कार्यालय से मुश्किल से 200 मीटर के दूरी पर है। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद मोटरसाइकिल चोरी की घटना संबंध में थप अनुसंधान कैल जा रहा जनौलन। जनकपुरक विकास के लिए युवा सभक व्यवसायिक समूह जेठ 12 गते वृहत सम्मेलन कर के निर्णय कलक। जनकपुर यूथ नेटवर्क आ सन्स ऑफ बुद्धा संयुक्त रूप में बुद्ध दिन कार्यशाला का आयोजन कर जनकपुरक विकास प्रति चिंता व्यक्त करैत जेठ 12 गते सम्मेलन कर के निर्णय कने। कार्यशाला में सहभागी 3 दर्जन विद्यार्थी युवा सब समूहगत रूप में जनकपुरक प्रमुख समस्या सब पर गंथन मंथन कने। समस्या समाधानक उपाय सब पर चर्चा करैत युवा सब आगामी सम्मेलन से रणनीति तैयार कर के कार्यक्रम निर्धारण कलक। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा राजस्व चौहावट क 6 करोड़ बराबर के समान सब चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में संकलन कैल गेल जनौलक। धनुषा पुलिस बुध दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजन क सावन महीना से जेठ भर 6,61,07,810 रुपया बराबर के समान सब जफत कने जनौलक। जफत कैल सामान सब में सोन से दैनिक उपभोग्य सामग्री सब रहा है। धनुषा से सटल भारतीय सीमा से नजदीकक बाजार में दैनिक रूप में लाखों रुपया के मोल बराबर के सामान सब तस्करी होत आयल। पुलिस अपन नियंत्रण में लेने सामान सब में कपड़ा दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपारी खैनी रजनीगंधा लगात के रहा है। मंगल दिन खजरी सराबे सड़क खंड धनुषा पुलिसक विशेष टोली 3 मोटरसाइकिल पर राजस्व दाखिला नहीं करा आन रहा 3 लाख बराबर के सह सामान सब जफत कलक। मुदा सामान आन रहा 6 गोटे में से 4 गोटे पुलिस के देखते सामान आ मोटरसाइकिल छोड़ कर भाग गया पुलिसक दावी रहा है। सामान आन रहा मोहम्मद इसाक आ मोहम्मद उस्मान के एक थान मोटरसाइकिल सहित नियंत्रण में लेने छल। कपड़ा स्लाइस आ गहूमक बिया सब दुनू गोटे के संग से पाओल गेल। बुद्धिन भिनसर सवा 9 बजे मोहतरी के खैरमारा में बस दुर्घटना भेला से 2 गोटे गंभीर घायल भेल छथि। काठमांडू से जलेश्वर के लिए छूटल एक यात्रु वाहक बस दुर्घटना भेला से बस में सवार 7 गोटे घायल में से 2 गोटे के अवस्था चिंताजनक। अत्यधिक गति के कारण बस अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल ट्रैफिक प्रहरी निरीक्षक तुलसी उप्रेती जानकारी देलन। दुर्घटना में मोहतरी मठियानी 6 के अंदाजी वर्ष 20 के विकेश चौधरी आ डामी मड़ई रनियार अंदाजी 56 वर्षक सुमन सिंह गंभीर घायल भेल छथि। सामान्य इलाजक बाद जिला मोहतरी जलेश्वर नगर पालिका 11 के विजय शाह मोहतरी गावी से 1 के देवा के ठोर आ सुमन सिंह के माथ में गंभीर चोट लागल। चौधरी आ सिंह के इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहा है। वैशाख 12, 13 आ 29 गते देश में आयल विनाशकारी भूकंप में पड़ कर मोहतरी में 4.5 करोड़ मोल बराबर के भौतिक क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी देने जानकारी अनुसार 4,51,13,000 से बेसी के क्षति भेल। भूकंप में पड़ कर 3 गोटे के मृत्यु भेल त 16 गोटे घायल भेल प्रहरी जनौलक। भूकंप में जिला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर कारागार ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय लोक सेवा आयोग जलेश्वर नगर पालिका आ गौशाला स्थित खाने पानी के टैंकी लगात में क्षति पहुँचल। तहिना 4 स्वास्थ्य केंद्र 16 विद्यालय 8 धार्मिक स्थल आ 185 निजी भवन में क्षति पहुँचल। भूकंप से भेल क्षति के तथ्यांक संकलन काज अखनो जारी रहा जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी जनौलक। पिछला 1 वर्ष बंद रहा जानकी मेडिकल कॉलेजक विद्यार्थी सब पुनः आंदोलित भेल। कर्मचारी के आंदोलन के कारण ठप रहा मेडिकल कॉलेजक विद्यार्थी सब संचालक तथा चिकित्सक के प्रयोगात्मक परीक्षा में अतिरिक्त रकम नहीं दिला के बाद पूर्वाग्रही रूप से अंक देने कहित आंदोलित भेल। कॉलेज में अध्यापन करबैत आयल चिकित्सक अविनाश कुमार सिंह MBBS 2 वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी सब से प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण करय लेल 2-2 लाख रुपया के रकम मांग केने छल। कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी सब बतौलन मुदा थप रकम नहीं देने विद्यार्थी के अनुतीर्ण कने विद्यार्थी सब के कहब। चिकित्सक शास्त्र अध्ययन के लिए
कलेज में भर्ना भेल विद्यार्थी सब कलेज में शुल्क बापत 20-20 लाख रकम बुझा चुकल है, मुदा प्रयोगात्मक परीक्षा में घुस नहीं दिला के बाद अपना सबके बेलायत सरकार नेपालक भूकंप प्रभावित के लिए 15 अरब 70 करोड़ नेपाली रुपया बराबर के सहयोग उपलब्ध करावे लागल है। बेलायत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी सचिव ऑस्टिन ग्रेनेड बुद्धिन बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री सरकारी निवास में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला संग भेंट में प्रभावित जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में अपन देश 10 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड अर्थात 15 अरब 70 करोड़ 70 हजार नेपाली रुपया बराबर के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। दल के प्रभावित के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में बुद्धिन एक दिन 6,12,73,000 रुपया जमा भेल है। कोष में नेपाल पर्यटन बोर्ड मात्र सबसे बेसी 5 करोड़ रुपया सहयोग उपलब्ध कराने है। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री सरकारी निवास में बुद्धिन भिनसर बोर्डक अध्यक्ष एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव सुरेश मान प्रधान ओही रकम के चेक प्रधानमंत्री कोइराला के हस्तांतरण कैलन है। तहिना का एपेक्स कलेज काठमांडू के दिशा कलेजक अध्यक्ष एवं सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल 10 लाख रुपया चेक प्रदान प्रधानमंत्री कोइराला के हस्तांतरण कलन। तहिना का बुधे दिन नाम्स आ वीर अस्पताल 36 लाख, माछापुसरे बैंक 26 लाख, जीटीएल नेपाल टेलीकॉम 12,50,000, पेडियाट्रिक सोसाइटी 12 लाख, बुढ़ा नीलकंठ स्कूल 7 लाख, गोंगु आवास क्षेत्र सुधार 10 लाख आ ब्रह्मा कुमारी राजयोग केन्द्र ओम शांति पुरस्कार दिशा 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री देवी प्रकोप कोष में जमा भेल। भूकंप के बाद के नेपाल के अवस्था तथा पुनर्निर्माण एवं राहत के अवस्था बारे बुझ चीन की परराष्ट्र सहायक मंत्री लियू जे नचाओ बृहस्पति दिन नेपाल आबि रहल छथि। 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करैत ओ दू दिना भ्रमण के लिए काठमांडू आवे लागल छथि। प्रतिनिधिमंडल में परराष्ट्र वाणिज्य राज्य प्रशासन तथा सांस्कृतिक संपदा चीन भूकंप प्रशासन तथा राष्ट्रीय जनसंख्या एवं परिवार नियोजन आयोग के अधिकारी रहत नेपाल स्थित चीनिया दूतावास जनौलक। सहायक मंत्री लियू प्रधानमंत्री सुशील कोइराला आ परराष्ट्र मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे संग अलगे अलग भेंटवार्ता करवा कार्यक्रम रहल छन। चीनिया दूतावास के अनुसार 29 बैसाख के भूकंप के बाद सेहो चीन घोषणा केने 14 करोड़ युआन बराबर के राहत सामग्री काठमांडू लेबाक क्रम शुरू भेल अछि। बुधिन विशेष विमान से ओ सामग्री सब राजधानी लाओल गेल अछि। तहिना कऽ चीनिया जनमुक्ति सेना प्रभावकारी एवं सहज रूप में इलाज सेवा उपलब्ध कराबे नेपाली सेना के 24 घुमती अस्पताल उपकरण सहित प्रदान कैलक अछि। ओ उपकरण संचालन में नेपाली सेना के पोख्त बनाब 17 सदस्य चीनिया टोली 5 दिन धरि प्रशिक्षण देत। निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा के मंत्री अवैध रूप में नेपाल आयल अछि। भूकंप के समय में सुरक्षा निकाय के नजर से बचत लामा के शिक्षा मंत्री नटुक छिरिंग नेपाल आयल छथि। तिब्बती शरणार्थी नेता तथा मंत्री सब के नेपाल प्रवेश में निषेध कैल गेल अछि, मुदा छिरिंग विमानस्थल होइत रवि दिन नेपाल आयल छथि। बृहस्पति दिन ओ घुरि रहल छथि। भूकंप के बाद तिब्बती शरणार्थी के स्कूल तथा कैंपस सब के निरीक्षण कर ओ गोप्य रूप से नेपाल आयल रहत। तिब्बती शरणार्थी सब के क्षेत्र में काम करे वाला स्नो लाइन फाउंडेशन के प्रमुख छिरिंग तोपगेल आ बौद्ध स्थित सुरक्षित भ्रिकुटी स्कूल के प्रिंसिपल झाम्पा फुलचोक नुटुप के भ्रमण के व्यवस्थापन कैने छलथ। नुटुप शरणार्थी के बेटा बेटी पढ़ेवाला उपत्यका के विभिन्न विद्यालय के निरीक्षण कर चुकल है। नेपाल में रहते आयल तिब्बती शरणार्थी के नेता तथा प्रधान प्रतिनिधि संग सेहो ओ भेंटघाट कलने अछि। अपन न्यूज अखन के लेल अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।